फर्स्ट न्यूमेरिकल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई टी कितना है? 60 डिग्री. फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बताया था फॉर्मूला? ब्रूस्टर्स लॉ. एन इक्वल टेन आई पी लगा दीजिए. एन इक्वल टेन आई पी. आई रिपीट, क्वेश्चन में कहा गया एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, तो आई पी है 60. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया? एन इक्वल टेन आई, 1060 की वैल्यू, तो आंसर हो गया 1.732. सिंपल. सेकंड, पोलराइजेशन एंगल फॉर अ मीडियम इज 30 डिग्री. अब आई पी कितना दिया? 30 डिग्री. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले इतना कर लेते हैं. तो कैसे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एन इक्वल टेन आई पी, 10 30 वन अपॉन रूट थ्री. सेकेंड पार्ट में कहा गया ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब आर. तो बताएगा कोई आर कैसे निकलेगा? सीधे सीधे लगा दें आई पी प्लस आर इक्वल 90. कल प्रूफ किया था हमने कि जब पोलराइजेशन एंगल से रे गिरती है तो आई पी प्लस आर कितना होता है? 90. आई पी है हमारे पास 30 प्लस आर इक्वल 90, तो आर आ गया 60 डिग्री. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो शुरू से देखें. पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया एंगल ऑफ पोलराइजेशन है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए. तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? एन इक्वल टेन आई पी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टेन आई पी. आई पी की वैल्यू 60, 1060 की वैल्यू. सेकेंड क्वेश्चन में फिर पोलराइजेशन एंगल दिया है 30, एन पूछा है, तो एन इक्वल टेन आई पी, 1030 की वैल्यू 1/√3. अब आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हमने कल प्रूफ किया था कि जब ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई होता है, मतलब जब पोलराइजेशन एंगल से रे गिरती है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होते हैं. तब आई पी प्लस आर कितना आया था? 90. तो 30 प्लस आर 90, आर हो गया 60. सिंपल है.
एंगल ऑफ पोलराइजेशन आपको गिवन है 45 डिग्री और क्रिटिकल एंगल पूछा गया है। याद है क्रिटिकल एंगल? हाँ बेटा, जब क्रिटिकल एंगल हो तो एन इक्वल होता है 1/sin C। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में ये रिलेशन होता है जो मैंने आपको सिखाया था TIR में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एन इक्वल 1/sin C। तो सी हमें निकालना है तो पहले एन मालूम होना चाहिए। एन कैसे आएगा? इसे फर्स्ट देके छोड़ दिया, एन इक्वल 10 IP, ठीक है। एन की जगह कुछ नहीं, आईपी की जगह 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1, तो एन आ गया 1, इसे रख देंगे ऊपर, तो 1 इक्वल sin C, 1 sin में कितने डिग्री होता है? 90, तो कुल मिला के क्रिटिकल एंगल आ गया 90 डिग्री। ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड थे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें ब्रूस्टर्स लॉ लगता है और आईपी प्लस आर इक्वल 90 लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन बेस्ड आएंगे मेलस लॉ पे। मेलस लॉ में मैंने आपको बताया था कि जब रे, देखना बेटा यहां बेसिक बता रहा हूं, बेसिक, बेसिक क्या था, यहां से आई अनपोलराइज्ड लाइट, ये है अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है I0। इंटेंसिटी I0 ये जाके गिरी पोलेरॉइड पर, ये जाके गिरी पोलेरॉइड पर P1। यहां से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? पोलेराइज। पोलेराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी IP इक्वल होता है I0/2। यहां तक तो सिंपल है। इसके आगे लगा होता है एक और पोलराइजर, P2। P2 का जो एक्सिस है वो किसी भी एंगल पे हो सकता है P1 के साथ, हो सकता P1 P2 पैरेलल एक्सिस हो तो एंगल 0, हो सकता P1 P2 पैरेलल एक्सिस हो, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस हो तो एंगल 90। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे,
ये बात पक्की है कि यहां से जो लाइट निकलेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर, पी टू को हम क्या कहने लगते हैं, वो हमेशा क्या होगी, आईपी का कितने टाइम, जहां थीटा है एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ पी वन एंड पी टू। ठीक है, ये बेसिक है। अब इस बेसिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है वो देखो। फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यही रुक गए, अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट मतलब इसकी बात हो रही कि इसकी बात हो रही। तो अपना डायग्राम यहां से बनिएगा फोर्थ क्वेश्चन का। अ बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ पोलरॉइड। तो इस पोलराइज्ड लाइट के लिए पोलरॉइड कौन होगा, यही होगा। ये लाइट एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल बना रही, 60। तो थीटा क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि यहां तो एंगल का कोई काम नहीं होता। निकलने के बाद दूसरे पोलराइड पर जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, तो थीटा हो जाएगा 60। क्या पूछा गया, हाउ मच परसेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पोलरॉइड, इस पोलरॉइड से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितने परसेंट होगी। क्वेश्चन फिर सुनो, लाइट कौन सी गिर रही है, पोलराइज्ड लाइट, कहां गिर रही है, एनालाइजर, एनालाइजर से निकलेगी। तो आई ए क्या होगा, आई पी कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू तो रूट थ्री, अरे यार 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो एनालाइजर से जो लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 1/4। हमें ये इंटेंसिटी परसेंटेज में बतानी है, तो परसेंटेज में कैसे बताओगे, आईपी बाय 4 इंटू आईपी, यही करोगे, इनिशियल से डिवाइड कर दोगे, आईपी से आईपी कैंसिल, कितने परसेंट लाइट बाहर निकल पाई, 25%। नहीं आई समझ में, एक बार फिर देखो, आप डायग्राम कैसे बनाओगे, आपने ये बनाई कौन सी लाइट, पोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी है आईपी, ये जाके किस पे गिरी, एनालाइजर पर, एनालाइजर से जो लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आईपी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम। ठीक है, तो आई ए इक्वल आई पी का कॉस स्क्वायर, तो जो लाइट बाहर निकली उसकी इंटेंसिटी आई पी से कितने टाइम है, 1/4 टाइम्स।
मतलब कितने परसेंट? 25%। क्लियर? केवल 25% लाइट बाहर निकल पाए। बना लीजिए ये डायग्राम और सॉल्यूशन कर लीजिए। केवल नीचे वाला डायग्राम बनाना, ये तो बेसिक है, ये तो आपने एक बार बेसिक बना लिया, हमेशा के लिए हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये डायग्राम बनेगा। आईपी कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया? जिसका हो गया है, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम दोबारा बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिर अभी बताता हूं क्या गिवन है क्या नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम दोबारा बना लीजिए। अब सुनिए, टू पोलरॉइड आर प्लेस्ड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देयर एक्सिस। इसके और इसके एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। इतना क्लियर? टू पोलरॉइड आर प्लेस्ड बाय मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू देयर एक्सिस। मतलब एक का एक्सिस ऐसा है तो दूसरे का इससे कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री। अब क्या कहा गया? अच्छा, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 30। अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन इट, और कितनी इंटेंसिटी की लाइट गिरी? I0। हाउ मच परसेंट लाइट विल फाइनली पास आउट? तो अब हमें किससे कंपेयर करना होगा? यहां से, क्योंकि तो शुरुआत यहां से। तो पहले तो लाइट जो निकलेगी वो कितनी बचेगी? हाफ। अब जो लाइट निकलेगी वो कितनी बचेगी? आईपी का कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू, तो आईपी इंटू √3/2 का स्क्वायर, तो 3 IP/4। ठीक। पिछले क्वेश्चन में इसके बाद हमने क्या निकाल दिया था? परसेंटेज। क्या इस बार भी निकल आएगा? नहीं, क्योंकि तो पिछले क्वेश्चन में कौन सी लाइट गिर रही थी? पोलराइज आईपी।
इस बार कैसी गिर रही? तो हमें आईपी को कन्वर्ट करना होगा आई नॉट में। क्या लिख दें? आईपी इक्वल आई नॉट बाय 2। तो अब आई ए क्या आ जाएगा? इक्वल 3/4 इंटू आई नॉट बाय 2। तो 3 I0 by A। इतना समझ में आया? बताएं, आपसे पूछा गया कितने परसेंट लाइट बाहर निकलेगी और परसेंटेज में कैसे निकालेंगे इसे। परसेंटेज के लिए ऊपर आएगा 3 I0 by 8, नीचे क्या आएगा? इनिशियल अब कौन था? I0। ठीक है, जो भी इनिशियल होता है उसी से कंपेयर किया जाता है। इनटू में तो 300 by 8 कितना हो गया? 37.5%। समझ में आया? कर लीजिए इसको। समझ में आ गया ये? सभी ने नोट कर लिया? नेक्स्ट, सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया सुनते जाना पहले। टू पोलरॉइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर P1 वाई एक्सिस पर है, P1 का एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो P2 का एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों के एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? ये P1 है, ये P2 है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 ये रही फॉल्स ऑन P1 राइट गिरी P1 पर, क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाए। इतना तो सबको मालूम। अब अ थर्ड पोलरॉइड प्लेस्ड बिटवीन P1 एंड P2। अब P1 और P2 के बीच में क्या रख दिया? एक थर्ड पोलरॉइड। देखना बेटा,
वन और पी टू के बीच में रख रहे हम थर्ड पोलराइड, तो हम क्या कर रहे हैं देखो, इसे थर्ड पोलराइड बना दे रहे, आगे पी टू बना दे ताकि डायग्राम में क्लियर दिखाई दे। इसका एक्सिस कैसा है? अलोंग एक्स। ठीक है, ये था पी टू। तो पी वन और पी टू के एक्सिस आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने रखा एक थर्ड पोलरॉइड और ऐसे रखा कि इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पी वन। बेटा इसका एक्सिस इसके एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा, कैसे दिखाएं? देखना यहां, अगर ये पी वन का एक्सिस है, पहले तो बना रहे एक्स और वाई एक्सिस नॉर्मल, ठीक है, ये किसका एक्सिस है? पी वन का। ठीक, तो पी थ्री का एक्सिस इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा? ऐसे ही कुछ होगा, पी थ्री का एक्सिस कितना एंगल बनाएगा बताएं? ये बात आपकी समझ में आई? तो जो पी थ्री का एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, ये है एक्सिस, ये इसका एक्सिस था और ये इसका एक्सिस। तो जो पी थ्री का एक्सिस है वो वाई से कितने डिग्री एंगल पे है? 30। ठीक, तो जो लाइट यहां से निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई थ्री क्या होगा? आई पी का कॉस स्क्वायर कितने टाइम? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही होगा पक्का। तो पहले हम आई थ्री निकाल लें, आई थ्री हो जाएगा आई पी का कॉस स्क्वायर 30। छापना नहीं, अभी लिखवाएंगे। आई पी को लिख रहा है आई नॉट बाय टू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कौन सी लाइट दी है? अनपोलराइज। और कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा? यही होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया? 3 I0 by A। ये तो आ गया आई थ्री, ये वाली लाइट की इंटेंसिटी। अब ये बताओ आई थ्री हो गया 3 I0 by। ठीक, अब पी टू से जो लाइट निकलेगी तो पी टू के एक्सिस और पी थ्री के एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 60 होगा। क्यों? क्योंकि पी टू को अलोंग कहां है? यही है। तो यहां से एंगल कितना बनेगा? ठीक, तो कुल मिला के समरी क्या है क्वेश्चन की? जब पोलराइज्ड लाइट कहां से पास होगी? पी थ्री से, तो उसकी इंटेंसिटी आई पी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि पी वन और पी थ्री के एक्सिस के बीच में एंगल। अब पी टू का एक्सिस कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए पी टू और पी थ्री के एक्सिस के बीच में एंगल। तो फाइनली आई टू क्या आएगा? आई थ्री का
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही होगा। तो लिख लीजिए समरी, एक्सिस ऑफ P1, एक्सिस ऑफ P1 इज अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ P1 इज अलोंग वाई एक्सिस, सो एक्सिस ऑफ P3, सो एक्सिस ऑफ P3 विल मेक थर्टी डिग्री एंगल विथ P1 while which makes 30 degree angle with P1 while axis of P2 is along x axis axis of P2 is along x-axis, so axis of P3, so axis of P3 will make an angle of 60 degree with P2. समझ में आई ये बात सबको? Now, intensity of light passing through P3. Intensity of light passing through P3 I3 equal IP cos square 30. बेटा माइक ऑफ कीजिए। तो I3 इक्वल IP कॉस स्क्वायर थीटा, आप चाहे तो IP को I1 भी लिख सकते हैं, तो I3 विल बी I1 कॉस स्क्वायर थीटा 30। तो ये तो आगे I3, अब लिखिए intensity of light pass intensity of light passing through कहां से पास हो रही P2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू P2 I2 क्या होगा
कितना होगा बेटा 90 90 कितना